नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा हमारी जो 7 नंबर कक्षा है संस्कृत व्याकरण की और वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम इसकी 6 कक्षाएं बना चुके हैं। आपने नहीं देखी तो हमारी रीड संस्कृत की प्लेलिस्ट में आपको उसका वर्णन मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर उनको देख सकते हैं। आज हम दोस्तों वर्णमाला पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं वर्णमाला पार्ट 2, वर्णमाला भाग 2। वर्णमाला भाग 2 में हमने जो है स्वर, व्यंजन, उसम, अंत्यस्त इन सब को पढ़ लिया था। इनके बाद हम चर्चा करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी चर्चा करते हैं? संयुक्त व्यंजन के। अब दोस्तों ये देखना है कि संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों देखो, संयुक्त व्यंजन कहते हैं दो व्यंजनों के मिश्रण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो व्यंजनों के मिश्रण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखो कौन से हैं। प्रमुखतः है, 3 संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं। एक तो है आपके क्षय, एक आपके त्रय और एक आपके ज्ञेय। अब देखो दोस्तों ये किन किन से बनते हैं। ये बनता है क प्लस शय से, ये बनता है त प्लस रय से, और ये बनता है दोस्तों जय प्लस य से। इनसे इनका निर्माण होता है। किस से? क्षय का निर्माण होता है क और श से, त्रय का निर्माण होता है त प्लस र से, गे का निर्माण होता है ज प्लस य से। तो ये है संयुक्त व्यंजन। इनके बाद आते हैं अयोगवाह। क्या आते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह किन्हें कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह वह व्यंजन होते हैं जो है अयोगवाह होते हैं जो स्वरों के बाद लगते हैं या व्यंजन के बाद भी लगते हैं। अयोगवाहों की संख्या दोस्तों 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देखो अनुस्वार। पहला कौन सा है? अनुस्वार। अनुस्वार का अगर आप चिन्ह देखो तो यह चिन्ह है अनुस्वार का। ये चिन्ह किसका है? अनुस्वार का। जैसे किसी के ऊपर आपको ऐसे मिले या ऐसे मिले, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम अनुस्वार युक्त कहेंगे। और अनुस्वार क्या है? अयोगवाह है। फिर बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग भी दोस्तों आप देखोगे कैसे लगता है, किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद ठीक ऐसे लगा हो, ऐसे लगा हो, ऐसा लगा हो, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हमें अपनी सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तीसरा जो बात करते हैं हम अर्धविसर्ग की। इसके अंदर दोस्तों एक आता है अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग की चर्चा करें जिसे कहते हैं आधा विसर्ग। तो अर्धविसर्ग दोस्तों कितने हैं? अर्धविसर्ग हैं दोस्तों 2। दो अर्धविसर्ग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वह 2 अर्धविसर्ग? तो इन पर चर्चा करते हैं। देखो पहला तो है जीवामूल्य। जीवामूल्य, जीवामूल्य जो दोस्तों वो लगता है क ख से पहले, क और ख से पहले इस प्रकार के चिन्ह हो तो दोस्तों वो है जीवामूल्य। और एक होता है उपदमानीय। उपदमानीय, उपदमानीय होता है दोस्तों प और फ से पहले लगता है, प और फ से पहले इस प्रकार का वर्ण हो तो उसे कहेंगे उपदमानीय। ये क्या हो गया? उपदमानीय। इसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों चौथा होता है यम। क्या होता है? यम। यम की हम चर्चा करें तो यम जो है दोस्तों 4 प्रकार के बताए गए हैं और चारों प्रकार आप देखोगे तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग का जो है द्वितीय होता है दोस्तों डबल। क्या होता है? डबल। और उसके बाद क्या हो दोस्तों? पंचम वर्ण हो। क्या हो? पंचम वर्ण हो तो उसको यम कहा जाता है। जो द्वितीय वर्ण होगा उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। जैसे आपके
उदाहरण जैसे हम कोई भी उदाहरण ले उसके अंदर आपको जैसे चे खे खे ने ती। अब देखो खे और खे के बाद में पंचम वर्ण है तो द्वितीय जो खकार है ये द्वितीय खकार क्या होगा दोस्तों, ये द्वितीय खकार यम होगा, ये द्वितीय खकार क्या होगा यम होगा। अब दोस्तों आगे थोड़ी चर्चा और करते हैं, आगे चर्चा थोड़ी सी दोस्तों और करते हैं। आगे चर्चा हम करते हैं यम वर्ण के बाद पाणिनि महोदय ने, पाणिनि ने जो वर्णमाला बताई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाणिनि की वर्णमाला के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो पाणिनि ने बताई है 63 या 64, कितनी बताई है 63 या 64। इसमें उन्होंने स्वर बताए हैं 21 या 22 और व्यंजन बताए हैं 42। इनकी चर्चा करें तो स्वर की हम चर्चा करते हैं तो स्वर आपको पता है दोस्तों ए ई उ री, ये मूल स्वर है। तो इन्होंने दोस्तों इसको क्या किया, ह्रस्व दीर्घ और पलुत में बांट दिया, ह्रस्व दीर्घ और पलुत में बांट दिया। तो हर के जो है दोस्तों 4 है 4 × 3 12 हो गए। दोस्तों लरी है इसका दीर्घ रूप नहीं होता है लेकिन इसका पलुत रूप हो जाता है, इसका पलुत रूप हो जाता है। तो इसका एक इसका हो जाएगा एक और एक और फिर आप ए ओ आई और अव का करोगे तो इनके भी ह्रस्व रूप नहीं होते हैं दीर्घ रूप होते हैं। तो इनके क्या होंगे 4 × 2 = 8। तो इनका टोटल दोस्तों क्या होगा, इनका टोटल होगा 22 या आपको इनको कभी 23 मान सकते हो। व्यंजनों की चर्चा करें तो व्यंजनों के अंदर हम चर्चा करते हैं 25 तो आपके होते हैं स्पर्श, कितने होते हैं 25 स्पर्श होते हैं। उषम होते हैं 4 अंत्यस्थ होते हैं और इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गए 33 तो ये हो गए। इसके अलावा एक अनुस्वार 34, एक आपके विसर्ग 35, एक आपके जीवामूल्य नहीं आपके जीवामूल्य 36, उपदमानी 37 और आपके 4 यम 41 और एक आपके होगा दूसपृष्ठ, दूसपृष्ठ को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये हो जाएंगे टोटल दोस्तों 42, ठीक है। और ये दोस्तों आज की क्लास थी, हम जो उच्चारण स्थान है उनकी चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज को आपकी ये कक्षा बहुत पसंद आई होगी क्योंकि हमने एक थोड़ा सा बोर्ड की जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका थोड़ा सॉल्यूशन किया है, थोड़ा बड़ा बोर्ड हम आपके लिए लाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।